भाई बहुत शुक्रिया। लेकिन पहले मैं एक बात कह दूं कि विद ऑल रिस्पेक्ट टू मरियम नवाज साहिबा, ठीक है वो शरीफ फैमिली की, नवाज शरीफ फैमिली के जानिश, पोलिटिकल जानिशीन है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल उनका उनका हक है। लेकिन माई पॉइंट इज दिस के शी हैज बीन वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, उनकी ट्वीट्स जो है बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल जो है आई है, और मेरा ख्याल है उसने दो चीजें इंडिकेट की, उनकी लैक ऑफ पोलिटिकल ग्रूमिंग, मैं हम ये समझते हैं कि उनकी उस तरह पोलिटिकल ग्रूमिंग नहीं हुई जिस तरह से होना चाहिए, और दूसरा ये इंडिकेट करें कि एक थोड़ा सा एक पोलिटिकल जो ना उनके माइंड सेट में एक इंस्टेबिलिटी है। देखें ये हो नहीं सकता कि नवाज शरीफ साहब की एक प्राइम जो तीन दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हों, उनकी बेटी जो है वो जनाब खासतौर की जो विक्ट्री स्पीच थी, जिस तरह उन्होंने गुफ्तगू की सुप्रीम कोर्ट अध्यक्ष के बारे में और एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, मैंने तो उसी वक्त फौरन जाके ब्लॉग पर लिख दिया था कि मैं इन खातून का सियासी मुस्तकबिल बहुत तारीख देख रहा हूँ। यहाँ तक के ख्वाजा साहब रफी साहब भी कहने पे मजबूर हो गए थे, इनमें एहतियात करनी चाहिए थी अपने स्पीच में। अब मैं जो चीज आ रहा हूँ, देखिए हमारे भी सोर्सेज हैं, हमारे भी पीएमएलएन में बड़े दोस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हुआ यह है कि जो शबाशी साहब गए, जो आपने इंटरव्यू में जिक्र किया है, उसके बाद एक लफ्स, दो लफ्स सामने आए हैं, माइनस मरियम, वो ये मैसेज लेके गए हैं कि जनाब मैं बता रहा हूं, पीएमएलएन के टॉप लीडरशिप जिसमें चौधरी निसार साहब, वो जो ग्रुप है जो कि तसादम और कंफ्रंटेशन की सियासत नहीं चाहता, जो ये समझते हैं कि पीएमएलएन की पॉलिटिकल इमेज बहुत खराब हो रही है, दिन ब दिन पार्टी डाउन जा रही है, लोग उसके वोटर जो है वो परेशान है कि ये हो क्या रहा है, कि ये शरीफ फैमिली क्यों पीएमएलएन अदली और फौज के साथ तसादम जा रही है। अच्छा। उन्होंने ये कहा है कि जनाब देखें, या तो आप कुछ अर्से के लिए माइनस मरियम करें ताकि वो बैकग्राउंड में जाए। कौन से हल्के? इमरान का सवाल बड़ा वैलिड है ना। देखे ना, वो आपने इजाजुल हक साहब के रातों का चर्चा हुआ, इजाजुल हक साहब की जारी बात है, एस्टैब्लिशमेंट कन्वे किया होगा शबाज शरीफ साहब को, चौधरी माइनस का दौर है आज कल। फौज ने शबाज शरीफ साहब को कहा कि जाके मियां साहब को समझाओ कि साढ़े से मिट्टी पाना बंद करें। नहीं नहीं, वापस आके बड़े केस संभालो। जब आप पाकिस्तानी ने इसको बड़ा स्ट्रांगली लिया है कि ये हो क्या रहा है भाई, तो अच्छा देखिए, मैं बात मुकम्मल कर लूं, तो ये देखिए ये जो जो सेन एलिमेंट्स हैं, सीनियर एलिमेंट्स हैं पीएमएलएन में, जो सोबर लोग हैं और मतलब जिनकी बड़ी कदर है, बड़ी इज्जत है, वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमें ये चीज पसंद नहीं है, खुदारा ये आपकी अप्रोच, आपकी लाइन गलत है, तो एक तो ये मामला को देखिए। पहले तो चौधरी निसार साहब ने बड़ा वाजे और बड़ा खुलकर अपने तासुरात का इजहार कर दिया कि मरियम को लीडर नहीं मान सकते वो। देखिए ना, ये बात भी हुई तो माइनस मरियम फार्मूला भी शुरू हो गया। बट वो होगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह नवाज शरीफ साहब उस पर इतना डिपेंड करते हैं और जिस तरह उन्होंने मीडिया से, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा, देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीएमएलएन में के सीनियर लोग और बाकी लोग भी ये कह रहे हैं कि अगर आप बाहर रहेंगे, अगर आप आके कोर्ट केसेस को फेस नहीं करेंगे, तो लोग, आवाम, वोटर, पाकिस्तान के लोग ये समझेंगे कि आप इत्तेसाब से डर गए हैं, आप इत्तेसाब से भाग रहे हैं, आप अपने केसेस को फेस नहीं करना चाहते, तो जीआईटी में जो कहा वो ठीक कहा, जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक दी वो ठीक वर्डिक दी। सियासी बका ना, वही जो शेख साहब बात कर रहे हैं, सियासी बका, इनका अपना पोलिटिकल सर्वाइवल।